शरीर का ठीक प्रकार से ध्यान न रखने पर कई लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुबलेपन की समस्या के कारण परेशान रहते हैं। इसके साथ ही उन्हें कई खतरनाक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। ज्यादा दुबला होना उनके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। वहीं उन्हें कई बार अपने शरीर के कारण लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए विभिन्न तरह की दवाओं का सेवन भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप मोटे होने के लिए किसी दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको आने वाले समय में कई प्रकार के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो नेचुरल तरीके से अपना वजन बढ़ा सकते हैं बिना किसी दवा के प्रयोग किए। दुर्बल शरीर वाले व्यक्तियों के लिए बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर आप अपने दुबले शरीर से परेशान हैं तो योग के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय और अपने खान पान का भी ध्यान रखें और जो टिप्स बताए गए हैं उनका अनुसरण करें। इसके प्रयोग से आपका एक माह में 5 से 7 किलो वजन बढ़ सकता है। रोजाना सुबह शतावर चूर्ण का सेवन करें। इसके सेवन से आपका वजन तेजी से बढ़ेगा। गर्मियों के मौसम में आम का शेक पीना काफी फायदेमंद माना जाता है। दुबले पतले लोग अगर इस शेक में खजूर, केला और दूध मिलाकर पीते हैं तो उन्हें काफी फायदा मिलेगा। साधारण आम का शेक पीने से भी लाभ मिलता है। अगर आप 10 ग्राम किशमिश को दूध में करीब 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और इसका सेवन रात में सोने से पहले दूध को उबालकर गुनगुनाकर पिए तो आपको लाभ मिलेगा। अपनी डाइट को 5 भागों में बांटें। सुबह के नाश्ते और लंच के बीच में मीठे फल खाएं। शाम के वक्त केले और दूध से बना शेक का सेवन करें। खाने में अधिक मक्खन और घी को जरूर शामिल करें। अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों का सेवन करें। बाबा रामदेव के अनुसार अगर आप अपनी रोजाना की डाइट का ख्याल रखेंगे और योगासन करेंगे तो आपका वजन बढ़ाने में यह काफी सहायक होगा। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि यह सब आप पूरा करें। आपसे जितना हो सकता है आप उतना ही करें। योग करने से आपका वजन बढ़ेगा और आप फिट रहेंगे। आपका शरीर मजबूत बनेगा। वजन बढ़ाने के लिए आपको रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, मरकटासन, योगिक जॉगिंग, सूक्ष्म व्यायाम, मंडुकासन करें। इसके साथ ही कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें।